हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? नेक्स्ट जो है, हमने वर्टेब्रेट्स का इंटीगुमेंट्री सिस्टम देखना है। उससे पहले हमने इनवर्टेब्रेट्स का देखा था। तो वर्टेब्रेट्स का हम देखें तो वर्टेब्रेट्स वो होते हैं जिनमें वर्टेब्रल कॉलम होती है। तो इनकी जो है स्किन इंटीगुमेंट होती है, यानी कि एक्सटर्नल कवरिंग होती है। और स्किन जो है हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है वर्टेब्रेट्स का, सरफेस एरिया के लिहाज से। और ये वैसे वैसे ग्रो करती है जैसे कि एनिमल ग्रो करते हैं, जैसे ह्यूमंस भी एनिमल्स हैं। तो जब बेबी छोटा होता है तो उसकी स्किन का सरफेस एरिया वैसे ही कम होता है, फिर जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो उसका उसकी स्किन भी साथ साथ ग्रो करती जाती है। स्किन की जो है 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। जो इसमें एपिडर्मिस है वो तो कॉमन है, जैसा कि इनवर्टेब्रेट्स के अंदर थी। इनवर्टेब्रेट्स के अंदर भी एपिडर्मिस थी और वर्टेब्रेट्स के अंदर भी जो है एपिडर्मिस है। नेक्स्ट है डर्मिस। नेक्स्ट जो है डर्मिस है, ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। और उसके बाद हाइपोडर्मिस आती है जो कि हमारी स्किन के नीचे होती है। और ये जो हाइपोडर्मिस होती है, ये हमारी स्किन को हमारे अंदर मौजूद टिश्यूज से अलग कर रही होती है। और इसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ भी होते हैं और नर्व एंडिंग्स भी होती हैं। तो ये स्किन की 3 लेयर्स हैं। एक एपिडर्मिस जो कि इनवर्टेब्रेट्स में भी पाई जाती है, फिर डर्मिस जो कि थिक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, और फिर हाइपोडर्मिस जो कि स्किन के नीचे होती है और स्किन को अंदर वाले टिश्यू से अलग कर रही होती है, जिसके अंदर मेन 3 चीज़ें होती हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर, नर्व एंडिंग और एडिपोज टिश्यू। उसके बाद ये वर्टेब्रेट्स का जो मतलब कि सिस्टम है, ये इंटीगुमेंट्री सिस्टम, तो उसमें यही आता है सारा। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि वर्टेब्रेट की इंटीगुमेंट स्किन होती है और ये लार्जेस्ट ऑर्गन है एनिमल के सरफेस एरिया के एतबार से। और जैसे जैसे एनिमल ग्रो करता है उसकी स्किन भी साथ ग्रो करती है। और इसकी 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस जैसे कि इनवर्टेब्रेट्स में होती है, जनरल 3 है लेकिन मेन 2 हैं, क्योंकि जो एपिडर्मिस है वो इनवर्टेब्रेट्स में भी होती है। डर्मिस लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर और डर्मिस हाइपोडर्मिस जो कि स्किन के नीचे होती है और स्किन को डीपर टिश्यू से अलग करेगी। इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू के फाइब्रिल होंगे, एडिपोज टिश्यू होंगे और इसमें नर्व एंडिंग्स होंगी। तो डर्मिस में पाए जाने वाले कनेक्टिव टिश्यू थिक होते हैं, इसमें लूज होते हैं। तो ये सारा हमारे पास इंटीगुमेंट्री सिस्टम था वर्टेब्रेट्स का। तो आप लोग मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहें, ये मैं आपको मतलब हर टॉपिक जो है थोड़े थोड़े मिनट्स में जो है कराती जाऊँगी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।